नमस्कार भाई और उनकी बहनों, फैक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जब से शाहरुख खान के मेगा बजट अपकमिंग फिल्म जवान का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से ये तो एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बनाते जा रही है और क्रेज के मामले में भी इस फिल्म ने तहलका काट रखा है। जहां यह फिल्म शाहरुख खान के करियर की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म बन जा चुकी है, वहीं रिकॉर्ड्स के मामले में भी इसने 24 घंटे के अंदर 102 मिलियन व्यूज और पहले आई शाहरुख खान की सेंसेशनली ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान के फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग, ओपनिंग डे एडवांस कलेक्शन और प्री रिलीज कलेक्शन जैसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। वहीं जहां शाहरुख खान और सनी देओल की नई नई दोस्ती हुई है, यह फिल्म उस दोस्ती को तुड़वाने के पीछे भी यहां दो कर पड़ चुकी है, क्योंकि क्रेज के अकॉर्डिंग यह फिल्म गदर 2 के रिकॉर्ड्स को भी सरपास कर सकती है। जिस हिसाब का इस फिल्म का क्रेज है, यह फिल्म गदर 2 और पठान के लाइफटाइम कलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, लेकिन यह सब इस फिल्म की प्रमोशन और मार्केटिंग से ज़्यादा इसके कंटेंट और पब्लिक प्रमोशन यानी वर्ड ऑफ माउथ पर डिपेंड करती है। जैसे कि पहले आई तहलका मचा चुकी फिल्म में गदर 2, कश्मीर फाइल्स, पठान और हाल ही में आई फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने कर दिखाया है। वहीं आदि पुरुष और किसी का भाई किसी की जान जैसी सिर्फ मार्केटिंग पर रिलाय करने वाली काफ़ी बकवास फिल्में भी दिखी, जिनके बकवास कंटेंट को पब्लिक ने जीरो वर्ड ऑफ माउथ के साथ टोटली रिफ्यूज किया। वहीं जवान के बारे में आपको यह बता दें कि अब तक यानी इस वीडियो के बनाने तक इस फिल्म ने 4 लाख से ज़्यादा का टिकट अपने ओपनिंग डे के लिए एडवांस में सील कर दिया है और इसके रिलीज में अभी भी 4 दिन का समय बचा हुआ है, जिससे यह साफ है कि यह उसके टोटल ओपनिंग डे कलेक्शन का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। वैसे आपको पठान और गदर 2 में ज्यादा अच्छी कौन सी फिल्म लगी और क्या जवान इनका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, कमेंट में जरूर बताना। जवान वाली वीडियो देखने के लिए राइट में क्लिक करना और दोनों के लिए लेफ्ट में क्लिक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।